हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो रीप्लेबल सेकंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले इस वीडियो में, बोनस संख्या याचिका को लेकर, रीप्रिंट को लेकर और साथ ही साथ बात करने वाले हैं एडिशनल वालों को बाहर करने के बाद कट ऑफ पर कर भी। दोस्तों मेरे साथ कुछ बातें होंगी आज जो, और दोस्तों मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ताकि वो भी डाउट मैं आपको क्लियर कर सकूँ। दोस्तों चलिए अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों डी लेवल सेकंड बोनस अंक याचिका लगी हुई है। दोस्तों आपको पता है कि 23 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई थी। दोस्तों इस पर मैं आपको बता दूं तो 14 क्वेश्चन पर इसकी याचिका लगी हुई है। अभी वर्तमान में 14 क्वेश्चनों पर बोनस अंक देने की मांग चल रही है, तो वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 14 अंक क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोस्तों इस पर क्या फैसला आएगा कि दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बता दूँ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी तरफ से पूरा बचाव करने की कोशिश करेगी। वह भी यही चाहेगी कि जो बोनस अंक है वह ना दिए जाए और हमारे प्रश्नों के उत्तर सही सही किए जाएं। वह पूरी तरह से अपना बचाव करेगा। दोस्तों 15 दिन की आपको पता है कि मोहलत दे दी गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, और वह 15 दिन में कुछ ना कुछ सबूत जुटा ही लेगा। वहाँ इस मामले की तह तक जाएगा कि क्या ये क्या नहीं है। दोस्तों तो पूरी जानकारी वह प्राप्त करेगा, फिर दोस्तों वह सही तरह से फैसला ले पाएगा जज भी, जो कि वीएस सिराधना है। दोस्तों बताऊं तो मैं आपको, रीप्रिंट होगी मार्कशीट, ये भी दोस्तों आपको खबर आ रही है कि रीप्रिंट होनी चाहिए मार्कशीट है वो रीप्रिंट होगी, क्योंकि दोस्तों बोनस अंक याचिका को लेकर ये भी खबर आ रही है कि अब रीप्रिंट होगी मार्कशीट। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ऐसे अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बोनस अंक को लेकर यही फैसला आएगा कि एक भी पर्सन पर बोनस अंक नहीं दिया जाए, यानी कि दोस्तों इससे सीधा प्रभाव यही है कि रीप्रिंट याचिका नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये भी चांसेस हो सकते हैं कि बोनस अंक दे दिया जाए, लेकिन दोस्तों ये नहीं है रहेगा, इससे भी यह नहीं होगा कि मार्कशीट है वो फिर से प्रिंट कराई जाए, रीप्रिंट होए मार्कशीट। और दोस्तों एक और डाउट क्लियर कर दूं तो दोस्तों आपको कहीं कहीं पर मिल रही है खबर कि कुछ अभ्यर्थियों ने कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रही है, हमें जो मार्कशीट है वो मिल नहीं रही है। दोस्तों ऐसा एक भी सेंटर नहीं रहा है, एक भी सेंटर नहीं है जिसमें जो आपको मार्कशीट ना मिले। सब सेंटरों पर या मार्कशीट आ चुकी है, वहाँ से आप अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कट ऑफ एडिशनल वालों को बाहर करने के बाद, तो दोस्तों कट ऑफ पर कुछ खासा प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, कुछ पैसे पर तो कुछ पर बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़ने वाला है। जहाँ तक बात की जाए सामाजिक वगैरह तो उस पर 1% प्रभाव ना पड़ने वाला, जबकि अंग्रेजी पर 1 से 2% तक प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला है वो अंग्रेजी में ही है। दोस्तों इस प्रकार आप मान सकते हो, आपने मान लिया कि अंग्रेजी में पढ़ रहा है तो सामाजिक वगैरह में क्यों नहीं। दोस्तों सामाजिक वगैरह में कुछ समस्याएँ सोचते सामाजिक वगैरह में नहीं पढ़ने वाला, लेकिन दोस्तों इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 1 से 2% और हिंदी में बात की जाए तो दोस्तों हिंदी में 1% तक और संस्कृत में लगभग 0.5 से 1% तक इसमें भी कम होने वाली है कट ऑफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो यानी कि उसमें भी हो सकते हैं कम, यानी कि SST वगैरह में भी अभ्यर्थी कम होंगे। यदि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कम होते हैं एडिशनल वाले तो यहाँ पर सामाजिक वगैरह में भी कट ऑफ कम होगी। तो दोस्तों मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और जहाँ तक बात की जाए फॉर्म संख्या की, दोस्तों फॉर्म संख्या में SST वालों के सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और इंग्लिश में बहुत ही कम 27,000 भरे गए हैं, और एडिशनल वालों को बाहर कर दे तो और कम हो जाएंगे फॉर्म। यानी कि दोस्तों एडिशनल वालों को बहुत ज़्यादा ऐसे में इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम हटा दें लगभग 5-6 हज़ार हटा दें तो बहुत ही कम रहने वाले हैं दोस्तों। यानी कि आपके लगभग आ जाएगा फिर 23 से 24 हज़ार तक आ सकता है, और यानी फिर कट ऑफ और कम ऐसे जाते हुए कट ऑफ बहुत ही कम, और आपका सिलेक्शन बहुत सरल सा से होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक दुखद की खबर यह है कि आपके जो इंग्लिश वालों की जो कट ऑफ है वह थोड़ी सी और बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि दोस्तों सामाजिक ज्ञान में 100 पद डाल दिए गए हैं, शिफ्ट किए गए हैं इंग्लिश में से ई, तो वो मैंने आपको खबर दे दी है। इसी वजह से सामाजिक में कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी और थोड़ी सी हाई कट ऑफ रह सकती है इंग्लिश की। दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी है।
तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और इसी तरह के वीडियो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमारे आगे हम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों एच जी सर के साथ बस इतना ही और वीडियो वाले चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।